सही ध्यान। अब ये राजनीतिक पार्टियों का अपना अधिकार है, उसका वो सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। लेकिन इसी बहाने राहुल गांधी जी जो कभी पार्लियामेंट में दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पहली बार वो अपने बोलने की भड़ास निकाले और बोल करके जिस तरीके से उन्होंने नाटक दिखाया सदन के अंदर कि बोलने के ठीक बाद प्रधानमंत्री के गले में जा करके लिपट गए और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मांगा, प्रधानमंत्री उनका पीठ थपथपाए, उसके बाद वहाँ चल करके उन्होंने अपनी आँख मारते हुए इस सारे घटनाक्रम को एक हास्यास्पद स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। इससे मालूम होता है कि राहुल गांधी जी अभी भी बहुत बचकानी हरकतें करते रहते हैं। सभी धर्मों का अपना अंदरूनी कानून और नियम होता है, लेकिन अदालत के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इसके सिवाय आम लोगों के लिए कोई कोर्ट नहीं है और कोई भी नियम कानून किसी धर्म विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए न्यायपालिका के रूप में संविधान द्वारा स्थापित जो विधि व्यवस्था है उसमें जिला न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायपालिका और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के अतिरिक्त कोई और नहीं। नहीं तो क्या सरकार इनके खिलाफ कुछ करेगी प्रतिबंध के लिए या कहीं कुछ कार्रवाई करेगी? नहीं, उन्होंने आप पर किसी पर जबरियन अपील नहीं की है, उन्होंने कहा यदि कोई चाहे तो कोई चाहेगा क्यों? जब वो इस्लाम धर्म के लोग अपनी महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो दूसरों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? अपने आप में उस उनकी शरीयत न्यायालय पर सवालिया निशान उठता है।